आपका फेल स्टडी मंत्री दीप डीप चलबा सा आज का जो कोर्ट केस था उसकी जो हियरिंग होनी थी चौबीस तारीख को अब देखो आप देख सकते हो जो चौबीस जनवरी को हियरिंग थी आज हियरिंग नहीं हो पाई अब जो कोर्ट केस अभी जो दिखा रहा है इसमें कोच लिस्ट में आप देख सकते हो ये नंबर है और ये जो दिखा रहा है छः फरवरी को दिखा रहा है आपको दिख रहा होगा छः फरवरी को अब ये जो है छः फरवरी को आपको ये सुना जाएगा अब तो पूरा का पूरा यही बो दे रखा है पूरा का पूरा क्या है ये सारा का सारा ये इनका केस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ दे रखी हैं और देखो कॉर्नर काउंटर जो एफिडेविट है एप्लीकेशन सेंड वी कंसर्ट सेक्शन अभी इसको कंसीडर नहीं किया गया है इस प्रकार से ये है ठीक है इसलिए पेंडिंग चल रहा है और ये इस कोर्ट केस की सुनवाई अब छः फरवरी को होगी और मैंने आज सुबह भी बताया था कि अगर इसकी केस की सुनवाई आज हो गई और ये केस निपट गया तभी आपका रिजल्ट संभव है फरवरी में अब देखो कोर्ट केस ही पहुंच गया तुम्हारा फरवरी में छः फरवरी को तो क्या गारंटी है कि छः फरवरी को सुनवाई हो जाएगी ठीक है साथियों तो इसमें अब टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा अब कल का कोर्ट केस की वो भी और दिखा दे रहा हूँ आपको का पूरा का प्यूरा ब्योरा ये तुमने देख लिया है इसका ये है तुम्हारा आज वाले का ठीक है तो ये दिखा रहा है लास्ट अभी अपडेट दिखा रहा है छः फरवरी की ठीक है साथियों तो ये मालूम पड़ेगा छः फरवरी की अपडेट दिखा रहा है अभी आपका केस छः फरवरी को सुना जाएगा ठीक है अगला दिखाते हैं देखो साथियों ये जो कोर्ट केस कल वाला है जो सुना जाएगा वो आपका लखनऊ बेंच में है किस में लगा हुआ है लखनऊ बेंच में लखनऊ बेंच में सुना जाएगा अब देखो ये वाला जो कोर्ट केस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये अब देखो कल की आपको हियरिंग डेट दिख रही होगी पच्चीस जनवरी अगर पच्चीस जनवरी को कोर्ट केस सुन सुन सुना गया या सुन सुनवाई हो गई इसकी तो ये अगर ख़त्म हो गया तो छः फरवरी का अपने आप खत्म हो जाएगा लेकिन सुनवाई हो तो सही मैं बार बार कह रहा हूँ सुनवाई हो ही नहीं रही है बार बार नई डेट दे दी जाती है और देखो ये सारा का सारा हियरिंग डेट कब की है पच्चीस जनवरी की है लिस्टेड ये कोर्ट नंबर्स वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें ठीक है और विवेक चौधरी इसके जो वो हैं वो सुनवाई करेंगे और तुम्हारा सारा का सारा इसमें ब्यौरा दे रखा है इसमें जो आप तो देखना है वो देख सकते हो आप और ये डिस्ट्रिक्ट किस में चल रहा है अम्बेडकर नगर वाले में उत्तर प्रदेश वाले में ठीक है ये साथियों ये हो गया अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये केस कल भी अगर सुनवाई हो गई इस केस की तो आपका छ फरवरी को सुनवाई होकर वो केस खत्म हो जाएगा लेकिन केस खत्म का होने का नाम ही नहीं ले रहा आगे बढ़ता चला जा रहा है तो आपको दोनों केस मैन दिखा दिए दोनों की आ, केस स्टेटस दिखा दिया कि किस प्रकार से केस चल रहा है ठीक है साथियों तो ये सारा का सारा मामला चल रहा है अब अब हम बात करते हैं ठीक है साथियों तो मैंने आपको दिखा दिया दोनों कोर्ट केस आज का भी आज की जो डेट दिखा रहा है नेक्स्ट वाली छह फरवरी को दिखा रहा है और कल वाला आपको जो कोर्ट केस दिखा रहा है वो आपका 25 जनवरी को सिक्स नंबर पे लिस्टेड है जो मैंने आपको बता ही दिया ठीक है आज वाले की तारीख नहीं मिल गई है आपको ये भी बता दिया आज वाले की तारीख छः फरवरी हो गई है और साथियों अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है देखो साथियों कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो है वो आयोग भी है सरकार भी है और कुछ बच्चे भी हैं जो अनवांटेड मतलब फालतू के ही केस मतलब अपलोड किए जा रहे हैं या मतलब ऐसे समझ लो फालतू के ही केस उन्होंने फिल कर दिए हैं तो ये जो क्वेस्ट फिलिंग हुई है फालतू के अगर हाँ जेन्यून क्वेश्चन है एक दो है मानता हूँ मैं इस चीज़ को लेकिन इतना नहीं है कि सारे बच्चे कोर्ट कोर्ट खेल रहे हैं ठीक है तो इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सारे जिम्मेदार हैं मतलब एक जिम्मेदार नहीं हो सकता है अब देखो आप जितना भी कोर्ट आगे जो कोर्ट केस आगे खिंचेगा ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ठीक है साथियों इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि नुकसानदायक नहीं होगा नुकसानदायक हो रहा है क्योंकि अगली भी इससे प्रभावित हो रही है आपका लेखपाल का प्रभावित तो हो ही रहा है ये तो इसमें कोई दौरा है नहीं है अब साथियों अब अगर कोर्ट केस मैंने बता दिया सारी बता दी आपको कि कि अब मैं कह रहा ये भर्ती जो है जो यूपी लेखपाल वाली भर्ती है अब ये अटक तो चुकी है इसमें कोई दौरा है नहीं है अगर कल की सुनवाई हो जाए तो आपको 6 फरवरी को सुनवाई अवश्य हो जाएगी लेकिन कल की भी सुनवाई नहीं हुई देखो टॉप टेन में है सिक्स नंबर पर लिस्टेड है अगर ये कल की भी सुनवाई नहीं हुई तो छः फरवरी की सुनवाई ये मत समझना कि छः फरवरी को आपकी सुनवाई होने वाली है वो भी छः फरवरी की आगे पहुंच जाएगी ठीक है साथियों तो ये अगर आपकी सुनवाई कल हो रही चाहिए तभी छः फरवरी को कुछ हो सकता है और ये तुम्हारा फरवरी में अब आना रिजल्ट मुश्किल हो गया है ठीक है साथियों अगर ये कल की सुनवाई हो जाए और छः फरवरी को ख़त्म हो जाए तब एक परसेंट सकते हो फरवरी में आ जाए अब तो ये मार्च में गया ठीक है साथियों लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब ये कोर्ट केस आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम तो देख रहे हैं बार बार आगे बढ़ जाता है तो मैंने सारे दोनों स्टेटस दिखा दिया आपको सारा कुछ बता दिया आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ये भर्ती एकदम से फंस चुकी है ठीक है साथियों धन्यवाद